झालावाड़ जिले में इन दिनों सूर्य देव का रौद्र रूप आम नागरिकों के लिए भारी पड़ रहा है। पारा 46 डिग्री को छू गया है। ऐसे में भीषण गर्मी और उमस के कारण जनजीवन बेहाल है, तो वहीं दोपहर में सड़कें शून्य दिखाई दे रही है। मौसमी बीमारियों के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। नोतपे का समय अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन सूर्य देव के तेवर प्रचंड हो गए हैं। ऐसे में अब आवश्यक कार्य के चलते ही शहर के नागरिक घरों से बाहर निकल रहे हैं। दोपहर में तो सड़कें तक शून्य दिखाई दे रही है और दुकानों के शटर लगे होने से हालात जो है ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे बंद नजर आ रहे हैं। राहगीरों हो वाहनों के चालक जो हैं वो मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए बिना उसके बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सबसे बड़े परेशानी स्कूली बच्चों की है, जिन्हें स्कूल से लौटते समय भीषण गर्मी के बीच घरों में पहुंचना पड़ता है। हालांकि शिक्षा विभाग के द्वारा कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को अधिकारी तक ही संचालित करके छोटी कक्षाओं को छात्राओं को जरूर राहत दी गई है। नगर परिषद के द्वारा भी धरती की तपन को ठंडा करने के लिए दमकलों की मदद से सड़कों पर पानी छिड़काया जा रहा है, लेकिन सारे प्रयास जो हैं वो नाकाफी से दिखाई दे रहे हैं। भीषण गर्मी ने इस बार झालावाड़ में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते दो दिनों से पारा जो है वो 46 डिग्री पर ठहरा हुआ है। पथरीला क्षेत्र होने के चलते दिन में गर्म हुए पत्थर देर रात तक ठंडे नहीं होते हैं। ऐसे में न्यूनतम तापमान भी 32 डिग्री के बीच दर्ज हो रहा है। जिले के अंदर एडवाइजरी जारी करी है। नरेगा के जो मजदूर हैं इनका हमने समय परिवर्तन किया। जितने भी जो PWD और अन्य जो एजेंसीज हैं इनके जो भी वर्क चल रहे हैं उनमें भी हमने दोपहर का इंटरवल निश्चित किया। सभी ऐसे कार्यस्थल पे जहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ पर छाया की पानी की उपयुक्त व्यवस्था करने के निर्देश प्रदान किए हैं। जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं जिसमें सबसे प्रमुख हमारे अस्पताल हैं, सभी जगह हमने ठंडे पानी की व्यवस्था करवाई है। कुछ जगह हमने हमारे संसाधनों से करवाई है, कुछ जगह हमने स्वयंसेवी संस्थाओं से कह करके और व्यवस्था करवाई है। सारे जितने भी हमारे स्कूल हैं, जितने भी हमारी डिस्पेंसरीज हैं, जितने भी हमारी सार्वजनिक संस्थाएं हैं सभी पे हमने पर्याप्त मात्रा में ORS के पैकेट्स रखवाए हैं। और एक सभी हॉस्पिटल्स में हमने एक कॉर्नर बनाया है जिस कॉर्नर का नाम ही हमने ORS कॉर्नर दिया है। तो पानी के साथ हमने वहाँ पर ORS के पैकेट भी रखवाए हैं।